दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे सीड्स जर्मिनेशन के लिए कि हम जल्दी सीड जर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ ये देखिए, जैसे काउ डंग होता है वैसे एक यहाँ पे नील गाय होती है जो मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है। तो ये उसका डंग है जिसको यहाँ पे मिंगनी बोलते हैं और आज हम इसके अंदर सीड्स ग्रो करेंगे, सिर्फ इसके अंदर बिना सॉइल के, सिर्फ ये हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पॉट है इसमें होल करेंगे और इसके बाद इसको रखेंगे। अब हमें क्या करना होगा, जो ये है इसको मैं तोड़ लूंगा इस तरह से और इनका चूरा इसके अंदर डालूंगा। इसके अंदर भी सीड्स होते हैं, वो केयरफुली साफ कर देके सिर्फ हमें जो डंग है वो डालना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने सिर्फ जो नील गाय का डंग है यानी कि जो खाद है सिर्फ वो डाला है और इसके अंदर हम मिट्टी यूज किए बगैर इसके अंदर जो बीज है वो लगाएंगे। इसके अंदर मैं जो मोरिंगा का बीज है वो लगाऊंगा क्योंकि मोरिंगा की एक क्वेरी भी मेरे पास आई थी कि उन्होंने मोरिंगा लगाया था और वो ग्रो नहीं हुआ, जिसको यहाँ पे सहजना बोलते हैं, कुछ जगह इसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये उसका बीज है और इस बीज को मैं इसके अंदर लगा दूंगा बिना सॉइल के। ये देखिए, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी ये होल डाल देंगे। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिए कि इसके अंदर से बीज आप निकाल दें, जो डंग है इसके अंदर बीज ना हो, जो अकेशिया के बीज होते हैं वो इसके अंदर ना हो, अदरवाइज वो ग्रो करेंगे। तो हमें वो निकाल देने इसके अंदर से। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर हम वाटरिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, इसकी अपडेट के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगा। जो हमने मोरिंगा का बीज लगाया था और हमने नील गाय है उसके डंग के अंदर इसको ग्रो किया था ताकि हम पता लगा सके कि इसमें जर्मिनेशन जल्दी होती है या नॉर्मल सॉइल जितनी होती है। तो मैंने इससे पहले एक नॉर्मल सॉइल में भी इसका सीड लगाया था जो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ है। और ये देखिए, नील गाय का जो डंग है ये काफी फायदेमंद है जर्मिनेशन के लिए। तो मैं इसको और भी जो सीड्स है उन पर ट्राई करूंगा और देखेंगे उसमें कैसे इसका रिजल्ट आता है। अभी हम इसको थोड़ा सा और ग्रो होने देते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।